इस लाइन में सीधा रुख करते हैं साउथ कश्मीर के शोपिया का, और शोपिया का हिंदू मोहल्ला बनगाम है, जहां पर एक मोबाइल टॉवर है जो पूरी वहां की आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो चलिए, हमारे सीनियर साथी इरशाद हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा ये टॉवर कब से है और कितने लोगों के लिए फिलहाल खतरा बना हुआ है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल हम मौजूद है हिंदू मोहल्ला बनगाम शोपियान में। 2005 में जीटीएल कंपनी ने यहाँ पे एक टावर जो है इंस्टॉल किया था। 2005 से लेकर 2016 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता था, और 2016 में जब कंपनी बंद हो गई है और ये टावर भी बंद हो चुका है। और अभी जो है इस टावर की जो है बेस है, जो जिस पे ये खड़ा है टावर, बिल्कुल उखड़ चुकी है। और यहाँ के हमसाइयों का कहना है कि कभी भी ये टावर गिर सकता है। और बिल्कुल इस वक्त मैं यहीं पे मौजूद हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या सूरत हाल है इस टावर के। आप देख सकते हो बिल्कुल ये जो मिशनरी आप देख रहे हो बिल्कुल डिफंक पड़ा हो चुका है। और इसकी जो बेस है, जो बेस में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो बेस है ये बिल्कुल जो है ऊपर गई है। आप साफ तौर से देख सकते हो कि ये कभी भी ये टावर गिर सकता है, कभी भी ये जो है ये टावर की आप सूरत हाल देख सकते हो। ये मिशनरी, आप मिशनरी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल ये जंग लगी हुई है यहाँ पे। और 2016 से लेकर अभी तक कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं आया है। तहसीलदार ने एक नोटिस भी निकाली है, उसके बावजूद भी कोई भी जवाब नहीं वहां से नहीं मिला है। और अब इनका कहना है कि बिल्कुल ये टावर जो है, अब जीटीएल कंपनी इस चीज का इंतजार कर रही है कब ये टावर गिर जाए और कब जो है यहाँ की जो है जाने खेल जाए। और हमारे साथ है जो जो इसकी ये जमीन है, उससे हम बात करेंगे। और आखिर ये क्या क्या 2005 में ये टावर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, और 2005 से लेकर 2016 तक यहाँ पे क्यों कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ है, जरा बताएंगे। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो हमारे हमसाए हैं, जो आपने देखा है अभी कि वो हमारे पास रोज आते हैं कि अगर ये टावर गिर जाएगा तो हमारी क्या हालत हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा। 2005 में मैंने इनसे एग्रीमेंट किया है, तो फिर ये जो एग्रीमेंट मैंने उनसे किया था जीटीएल वालों के साथ, वो प्रोवाइड कर रही थी एयरसेल को अपनी ये खदमात जो दे रही थी। तो 2016 में इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो 2016 से लेके अब तक वो न यहाँ आते हैं, न उनका कोई ऑफिशियल यहाँ आता है, न कोई मेंटेनेंस है इसकी। अब मुझे यही खदशा लाहक हो रहा है कि अगर ये खुदा न खास्ता मेरे मकान पे ही गिर गया तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर ये दूसरे किसी हमसाये के मकान में गिर गया तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हम भी परेशान हो गए हैं। हमने ये मसला जब हमने जीटीएल के साथ उठाया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले गए, तहसीलदार साहब के पास चले गए, तो उन्होंने उनको एक बार नोटिस दी तो वो नहीं आए, फिर दूसरी बार दूसरी नोटिस शुरू की वो नहीं आ गए। तो इसलिए हम मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, मुझे इस बला से निजात दीजिए। एक तो मुझे किराया जो था ही था, तो बिल्कुल बिल्कुल ना वो देते हैं। और नंबर दूसरी बात जो अहम बात है, अगर ये टावर की हालत देख लीजिए, कभी किसी भी वक्त ये गिर सकता है, तो बहुत बड़ा जो जानी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं आपकी वसादत से ये बात एला हुकाम तक पहुंचाना चाहता हूँ, प्रियंका मैडम जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील की बात, ये हमारी जो बात है इसको एला हुकाम तक पहुंचा दिया जाए, ताकि हमें इससे निजात मिल सके। अगर कोई अनटूवर्ड वाका पेश आ गया यहाँ पे, बिल्कुल खुदा बिल्कुल, न खास्ता कोई कोई बर्फबारी भी हो सकती है यहाँ पे, बर्फबारी भी हो रही है यहाँ शोपियान में ज्यादा, तो अगर ये मकान किसी अगर ये टावर किसी के मकान में गिर गया तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हमारा जिम्मेदार कौन होगा। आप ये खुद देख लीजिए, ये देख लीजिए इसकी भेड़ जो खत्म हो गई है, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये थोड़ी सी बर्फबारी हो गई तो यहाँ ये देख लीजिए, ये भी यहाँ से, ये देखो ये भी यहाँ से गिर गया। तो खुदा न खास्ता अगर कोई वाका पेश आ गया यहाँ पे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए हम आपके ही वसादत से, आपके ही माध्यम से रेणुका जी से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, मेहरबानी करके इस मसले को एलजी के साथ उठाए, ताकि मेरी इस आवाज को
आवाज को वहां तक पहुंचा दीजिए तो हम इस बला से निजात पा सकते। बिल्कुल प्रियंका, तो इस तरह का आपने इनका कहना है कि बिल्कुल यहां से ये एयरसेल वाले जो यहां पे आए और इस चीज इस टावर को यहां से उतारे और हमारे साथ यहां पे हमसाया है जो कि यहां की रहने वाली है, लोकल है, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या चुनाव तो क्या बनते हैं अखंड वो तो क्या वन यह हू अ गो पत कि क्या वन यहाँ जह ग हमसाय मे लड़ाई मगर तमें सात गो अपील करान कि तुलन थोद अक्सान मान या बर्फ या कह असान यह पे सो टावर वो अच्छी जाय ये अगर मान नुकसान गो अस कुमार कुछ जिम्मार मान जिम्मे तुम फटाफट थोद आय गई अच्छा मान क्या जह ग ओर लड़ाई तो क्या मगर तमें सात गई अच्छा यह अपील कि यह तुलन थोद नुकसान क्या। तो बिल्कुल प्रियंका, आपने देखा कि इनका कहना है कि यहाँ से ये टावर उठाया जाए ताकि हम भी जो है चैन की नींद सो सके। और आपको मैं बता दूं ये बिल्कुल ये हिंदू मोहला है बनगाम शोपियान का, ये टाउन एरिया है और इस वक्त यहीं पे मौजूद है। जी प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी भी था ये तस्वीरें दिखाना कि जिस तरह से वहां के लोगों की जान खतरे में है क्योंकि ये टॉवर कभी भी गिर सकता है। इंतजामिया जल्द से जल्द गौर फरमाए इसी उम्मीद के साथ लूंगी इजाजत। दिखते रहे जी।